क्या आप जानते हैं कि किस तरह से जो भी आपको मैं यहाँ पे स्विच वर्ड्स देती हूँ या मैं कोई एंजेलिक नंबर देती हूँ, आप कैसे उसकी पावर को और बढ़ा सकते हैं, किस तरह से उसकी ब्रॉडकास्टिंग की जाती है, किस तरह से जो है आप अपने मैसेज को यूनिवर्स तक पहुँचा सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीका है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रितु कोहली और मैं आज आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। और आज मैं आपसे बात करूँगी एक बहुत ही यूनिक वे, हो सकता है कि आप लोगों को वो पता हो कि किस तरह से जो मैंने अभी बोला कि कैसे आप अपने मैसेज को, अपनी विशेज को आप ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, यानी कि आप डायरेक्टली यूनिवर्स तक वो मैसेज पहुँचा सकते हैं। तो क्या वो तरीका है? सो इसको हम बोलते हैं एनर्जी सर्कल। यस, इसको हम बोलते हैं एनर्जी सर्कल। और एनर्जी सर्कल किस तरह से बनाया जाता है, बहुत ही इजी वे है। अगर आप लोगों ने देखा होगा, आई एम श्योर कुछ कुछ लोगों को यहाँ पे जो भी देख रहे होंगे वीडियो को, आपको हो सकता है कि एनर्जी सर्कल के बारे में आइडिया हो, बट ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो आप यूज कर सकते हैं एनर्जी सर्कल को यूज करने के लिए। ठीक है, तो करना क्या है एंड व्हाट इज एनर्जी सर्कल? एनर्जी सर्कल होता है कुछ इस तरह का, ये देखिए, राइट? सो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इस तरह का एक एनर्जी सर्कल होता है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो काफी सारे कलर्स हैं सर्कल को बनाने के लिए, राइट? बट यहाँ पे आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर पेन का आप यूज कर सकते हैं टू मेक दिस सर्कल। अब करना क्या है, आप लेंगे कुछ इस तरह का स्क्वायर पेपर, ठीक है, A4 साइज का आता है। आप स्क्वायर पेपर उसमें से कटिंग कर लीजिए, 4x4, 5x5 का कर लीजिए, राइट? उस तरह का आपने सर्कल, सॉरी स्क्वायर आपने कट करना है। अब उसके अंदर अब आपने बनाना है एग्जैक्टली अ प्रॉपर सर्कल, टेढ़ा मेढ़ा ना बने तो ज्यादा अच्छा है। फ्री हैंड भी आप बना सकते हैं बट बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा चलता नहीं है। सो क्या करेंगे, कटोरी सबके घर में रहती है, राइट? या एक बैंगल है ना जो लेडीज पहनती हैं, तो आप अपना एक बैंगल ले सकते हैं, आप एक कटोरी ले सकते हैं और उसको इसके ऊपर रख के जो है आप उसने आपने जो है उसका आउटलाइन करना है। ये आपका रेडी हो जाता है एनर्जी सर्कल। अब क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है एक पावरफुल स्विच वर्ड से सक्सेस। आप सक्सेस चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, आप सक्सेस चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, आप सक्सेस चाहते हैं अपने करियर में, आप सक्सेस चाहते हैं अपने मनी फ्लो में, आपका मनी फ्लो बहुत अच्छा हो, स्मूथ हो, राइट? सो क्या करना है, आपने यहाँ पे सबसे पहले सर्कल के अंदर, ठीक है, सबसे पहले मैं कहूंगी कि हाँ, लेट मी स्टार्ट विद वेरी बिगनिंग। सो आपने ये पूरा रेडी कर लिया, आपने एनर्जी सर्कल ड्रॉ कर लिया, अब आप इसको करेंगे स्मजिंग, क्लेंस करेंगे। राइट, सो आपने इसको क्लेंस करना है, कैसे करना है, आप एक लेंगे धूपबत्ती, धूपबत्ती को जलाएंगे, उसका जो धुआं होगा, राइट, उसको धुएं को जो है आपने इस तरह से ऐसे दिखाना है। और क्या चैंट करना है, देखिए मेरे मुंह पे तो आता है क्योंकि मैं बाबा की भक्त हूं, तो मेरे मुंह पे आता है ओम साई राम। आप भगवान कृष्ण को मानते हैं, आप भगवान शिव को मानते हैं, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, आपने जस्ट ऐसे घुमाते हुए उनका नाम ले लेना है और इससे आपका जो है ये क्लेंज हो जाएगा और आपका रेडी टू यूज। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे अब आप सर्कल में आप लिखेंगे अपना नाम, राइट? आप मान लीजिए आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने बेटे के लिए कर रहे हैं, बेटी के लिए कर रहे हैं, आप अपने हस्बैंड के लिए कर रहे हैं या किसी भी थर्ड पर्सन के लिए कर रहे हैं, उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, नीचे लिख देंगे एक, जैसे मैंने बताया कि स्विच वर्ड लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, स्विच वर्ड लिख देंगे। अब उसी से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी स्विच नंबर है, ठीक है, तो वो स्विच नंबर भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपका हो गया एनर्जी सर्कल रेडी। अब देखिए मैंने क्या करा रखा है, मैंने इसको लैमिनेट करवाया हुआ है, ठीक है, सो आप चाहें तो इसको लैमिनेट करवा सकते हैं। अब यूज कैसे करना है इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज बहुत मल्टीपल वेज आर देयर टू यूज दीज एनर्जी सर्कल्स। आप क्या करेंगे, इसके ऊपर जो पहली जो थ्री फिंगर्स होती हैं, ये 1, 2 एंड 3, थंब को और लिटिल फिंगर को छोड़ देंगे, बाकी की तीन फिंगर्स जो हैं, जो भी ये कोई जिसके लिए भी एनर्जी सर्कल बन रहा है उसको मैं बता रही हूँ कि वो कैसे यूज करेगा। आप करेंगे तो आप इस तरह से यूज करेंगे, अगर किसी और के लिए आपने बनाया है घर में तो उनको बोलिए कि वो इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये तीन फिंगर्स आप इसके ऊपर रख देंगे, राइट, 4 से 30 सेकेंड्स,
ठीक है, 30 सेकेंड्स टू 40 सेकेंड्स इतनी देर रखेंगे, और इतना रखने के बाद जस्ट विजुलाइज करेंगे, यू नो फॉर 30 सेकेंड्स यू आर जस्ट गोइंग टू विजुलाइज दैट आपने जिस भी इंटेंशन से आपने वहाँ पे स्विच वर्ड लिखा है, स्विच नंबर लिखा है, सो आपने जस्ट विजुलाइज करना है कि आपको सक्सेस मिल रही है उस फील्ड में, ठीक है। सो ऐसे करके आपने जस्ट वो 30 सेकेंड्स इतना आपने फोकस लगाना है अपने गोल के ऊपर, राइट। और इतना करने के बाद यू कैन रिमूव योर हैंड एंड यू जस्ट हैव टू फील द एनर्जी। दूसरा वे, ये हो गया आपका पहला तरीका। ना दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर आप चाहें तो सारी रात, देखिए मैंने लैमिनेशन इसलिए बोला था कि जब हम इस पे अपना वाटर चार्ज करते हैं, यानी कि क्या करेंगे, आप सारी रात इसके ऊपर एक पानी की बॉटल, ग्लास बॉटल यूज करेंगे। प्लास्टिक हम अवॉइड करते हैं, हम यूज नहीं करते हैं, स्टील भी हम नहीं करते हैं, मोस्टली ग्लास की बॉटल या आप यू नो कांच का ग्लास आप इसके ऊपर पूरी रात छोड़ सकते हैं। उससे ये होगा कि आपका जो यू नो पानी होगा वो चार्ज हो जाएगा, और अगले दिन आप इसको धीरे धीरे थोड़ा 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 करके आप पीते रहिए, नॉर्मल पानी में थोड़ा थोड़ा वो पानी मिलाते रहिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है वो एक पानी की बॉटल आपने कितने दिन में ख़त्म करनी है, एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, इट्स टोटली अप टू यू, राइट। क्योंकि जब वो पानी आपके शरीर में, 70% आपके जो बॉडी में पानी है वो जब आपके शरीर के पानी से जाके जब मिलेगा, तब आपके देखना ब्रेन किस तरह से काम करने लग जाता है, आपके गोल को अचीव करने में आपको हेल्प करने लग जाएगा, राइट। सो एक ये तरीका हुआ। दूसरा, इसको आप चाहें तो रात को, राइट, रात को या जब भी आप रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं, पिल्लो के नीचे, कहा जाता है कि रात को रख के सोएंगे तो ज्यादा बेटर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, तो आपने क्या करना है, इसको पिलो के नीचे आप रख के सोएंगे। जस्ट आपने बिल्कुल जब आप सोने लगे, आपने जस्ट ये इसको थोड़ी देर अपने हाथ में रखना है, उनकी चैंटिंग करनी है, जो भी वर्ड लिखा है वहां पे, या कोई भी अफर्मेशन लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी अफर्मेशन लिखी है, जो भी स्विच नंबर लिखा है उसको आप चैंटिंग करेंगे। चैंटिंग करने के बाद कितनी देर चैंटिंग करेंगे प्लीज ये मत पूछिएगा, इट्स टोटली अप टू यू। आपने यू नो 21 टाइम्स चैंटिंग करनी है, आपने यू नो 2 मिनट, 1 मिनट, आपके ऊपर है टोटली, ठीक है। जितनी देर भी करें बस पूरे मन से करें, पूरे फेथ के साथ करें, ठीक है, बस मैं यहाँ पे आपसे यही उम्मीद करती हूँ। और फिर चैंटिंग करने के बाद उसको आप देखेंगे अच्छे से, आप स्माइल करेंगे, वो फील लेकर आएंगे दैट यू नो यू हैव अचीव्ड योर गोल, और उसके बाद आप इसको पिलो के नीचे रखिए, आप सो जाएंगे, उसके बाद आप फोन नहीं देखेंगे, ठीक है, उसके बाद कोई दूसरा काम नहीं करेंगे, किसी से हो सके तो बात भी नहीं करेंगे, आप सिंपली आप सो जाएंगे अपने गोल को वो माइंड में रखते हुए, ठीक है। तो ये कुछ है 2-3 तरीके कि किस तरह से हम इस एनर्जी सर्कल को यू नो हम यूज करते हैं। बेसिकली एनर्जी सर्कल करता क्या है, जब हम इसके अंदर लिख देते हैं, सर्कल के अंदर, ये सीधा ब्रॉडकास्टिंग यानी कि इसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो पूरी यूनिवर्स तक जाती हैं, और यूनिवर्स को आपका मैसेज मिल जाता है कि आपका गोल ये है, और आपके गोल को अचीव करने के लिए किस तरह से यूनिवर्स ने आपको गाइड करना है, सपोर्ट करना है, आपको सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और कितने दिन करना है, जब तक कि आप अपने गोल तक पहुंच नहीं जाते। और मैं यहाँ पे एक आपको सजेशन ज़रूर दूंगी कि अगर आज से पहले अगर आपने एनर्जी सर्कल का यूज़ नहीं किया है, देन स्टार्ट विद यू नो विद योर स्मॉल गोल, कोई छोटा एक गोल अपना उठाएं, उसको पहले आप अचीव करें विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक, और फिर उसके बाद जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता चला जाएगा, और धीरे धीरे जो है आप अपने गोल्स को बढ़ाते जाएं, और फेथ आपका ऑटोमेटिकली, जैसे जैसे गोल आपके पूरे होते चले जाएंगे और आपका फेथ बढ़ता चला जाएगा इन सब चीज़ों में, अगर तो आप बिल्कुल नए हैं इन सब चीज़ों में, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं यू नो कोई भी टेक्निक आप फॉलो कर रहे हैं, तो इसको प्लीज आप करके जरूर देखिए, दिस इज वेरी पावरफुल वे टू यू नो टू अचीव ऑल योर गोल्स, और जो भी आपके यू नो टू फुलफिल ऑल योर डिजायर्स और एनी विश, राइट। सो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो काफी यूजफुल लगा होगा, बिकॉज मैंने ये देखा है कि मतलब जितने भी मैं यहाँ पे अपने कोई भी स्विच वर्ड्स दे रही हूँ या यू नो एंजेलिक नंबर्स दे रही हूँ, तो उसको किस तरह से हम लोग, इतने सारे तरीके होते हैं जिससे कि हम इसको यू नो यूज कर सकते हैं, और आपको नहीं पता कि कौन सा तरीका, कौन सा यू नो कौन सी ऐसी ऐसा वे जो आपके लिए काम कर जाएगा, राइट। सो बस मैं इतना ही कहूंगी, एंड
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं, बिकॉज आप लोगों को हेल्प करेंगे, आप लोगों के साथ ये नॉलेज जब आप शेयर करेंगे तो यूनिवर्स आपको देख रहा होगा और वो कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा सपोर्ट करेगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। Love you all.